आज मैं आपको दिखा रहा हूँ रुई माछ का कोफ्ता बनाना दिखा रहा हूँ। पहले मैंने लगभग 400 350 से 400 ग्राम करीब रुई माछ ले लिया। इसको अभी पानी में बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद इसको अंदर से सारे स्पाइन को निकालना है। उसके बाद में मैं आपको कैसे होगा दिखाता हूँ। पहले मछली को मैंने डाल दिया, उबला हुआ पानी में डाल दिया। और थोड़ा नमक भी मैंने इधर दे दिया। अभी पानी में ये मछली को उबालना है। अभी जो रोहू मछली लिया था मैं उसको बॉयल किया था। बॉयल करने के बाद देखिए इसमें से इसका जो स्किन है, स्किन और स्पाइन जो है सब अलग कर दिया। यही पार्ट को मैं रखा, इसी को मैं इस्तेमाल करना है रोहू मांस का कोफ्ता बनाने के लिए। इसमें और जो इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें देखिए पी, करी पत्ता, बॉयल किया हुआ आलू, ऑनियन पेस्ट, ग्रीन चिली, उसके बाद गार्लिक, जिंजर, अच्छा जीरा पाउडर, टमाटर, थोड़ा सा मैदा और बेकिंग पाउडर इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। अभी एक बाउल में जो हाँ बॉयल किया हुआ मछली है वो मैं लेता हूँ, वो ले लिया बस। उसके बाद बॉयल किया हुआ दो आलू उधर में ले लिया। इसको पूरा मिक्स करना है। उसके बाद कड़ी पत्ता, थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी वहाँ डाल दिया। उसके बाद प्याज और फिर चॉपिंग किया हुआ फाइन चॉपिंग प्याज और हरी मिर्च वो भी डाल दिया उधर। उसके बाद यह दो चम्मच मैदा डाल दिया। इसको थोड़ा मैदा डाल दिया और इसके थोड़ा चुटकी भर बेकिंग पाउडर भी इधर चुटकी भर बेकिंग पाउडर इसमें डाल दिया। और डाला क्या, स्वाद अनुसार नमक इसमें डालना पड़ेगा। स्वाद अनुसार नमक दे दिया और हल्दी पाउडर थोड़ा मिक्स कर दिया। आप सारी चीज को मुझे अच्छा से मिक्स करना है। जो मिक्सचर जो है इसको देखिए इसी तरह से इसको थोड़ा थोड़ा लेके इसको पहले गोल करना है। उसके बाद बीच में फ्राई में थोड़ा सा पेस्ट करके थोड़ा चपटा कर देना है क्योंकि ये अच्छा तरह से फ्राई हो जाए। फ्राइंग पैन में इसके लिए मैं सरसों का तेल का इस्तेमाल करूंगा। इसको सारे जो बॉल जैसे पार्टिकल है बॉल जैसे जो है इसको पहले फ्राई करना है। इसके लिए सरसों का तेल मैंने इस्तेमाल किया और तेल गर्म हो जाने पर इसको एक एक करके पर छोड़ना है। इसी तरह इसको उलट के दो तरह में फ्राई करना है। इसको पलट के दो तरह को दो साइड से इसको फ्राई करना है। अभी जो मछली का पूरा बॉल मैंने दोनों साइड से फ्राई कर लिया, फ्राई करके उतार लिया। इसके बाद इसको नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है इस कुकिंग का मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाता हूँ। अभी मैं ओवन में पैन बैठा दिया। पैन गर्म होने के बाद इसके मैं सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सरसों का तेल डाल दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, थोड़ा सा चॉपिंग किया हुआ प्याज इसमें डाल दिया, लहसुन डाल दिया चॉपिंग किया हुआ, एक तेज पत्ता दे दिया, थोड़ा देर इसको भून दिया। थोड़ा हो जाने के बाद इसमें थोड़ा ब्राउनिश हो गया ऑनियन, थोड़ा ब्राउनिश हो जाने के बाद मैं मुझे क्या करना है, इसमें ऑनियन का जो पेस्ट रखा था मैं ऑनियन का दो मीडियम साइज ऑनियन का पेस्ट मैंने इधर डाल दिया, जिंजर का एक टेबल चम्मच पेस्ट मैंने इधर डाल दिया, एक टेबल चम्मच चिली पाउडर का पेस्ट डाला,
लगभग डेढ़ टेबल चम्मच जीरा का पेस्ट मैंने इधर डाला। अभी इसको तेल में इसको भूनना है। थोड़ा देर हो जाने के बाद इसमें मुझे स्वाद अनुसार नमक डालना है। मैं स्वाद अनुसार नमक डाला। उसके बाद एक टेबल चम्मच कड़ी हल्दी पाउडर, टेस्ट को बढ़ाने के लिए हाफ टेबल चम्मच चीनी का इस्तेमाल मैंने किया और लगभग एक टेबल चम्मच लाल मिर्ची का इस्तेमाल मैंने इधर किया और जिस मीडियम साइज का दो टमाटर चॉपिंग किया हुआ था वो भी मैंने इधर डाल दिया। अभी इसको मुझे अच्छा से पकाना है। अभी ये तो मैं भून रहा हूँ, अभी इसको अच्छा से थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए, अच्छे से भूनने के लिए मैं थोड़ा बहुत पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगा। थोड़ा बहुत मैंने पानी का इस्तेमाल किया। देखिए इसमें से ऐसे ही थोड़ा सा तेल भी निकल के आया था, पानी का थोड़ा इस्तेमाल मैंने किया और उसको मैं अभी इसको लीड को बंद कर दिया। अभी इसको मैंने लीड निकाल दिया। देखिए मैं लगभग 3 मिनट इसको पकाया। अभी ये पूरा सारी चीज सॉफ्ट हो गया। अभी जो पीनट था मुझे ग्रीन पी को मैं अभी इस्तेमाल किया। अभी ग्रीन पी को थोड़ा इसके साथ मिक्सअप करना है, इसीलिए मैं इसको लगभग एक से डेढ़ मिनट इसको पकाऊंगा। अभी देखिए इसको मैं फिर दोबारा 2 मिनट करीब पकाया। इसको ग्रेवी तो तैयार है, अभी इसमें मुझे पानी मिक्स करना है। मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूंगा, हिसाब के अनुसार पानी डाल दिया मैंने। और भी थोड़ा पानी देना पड़ेगा इधर, और भी थोड़ा पानी दे दिया। अभी इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद वो जो फिश का जो बॉल जो है वो उसमें इधर मुझे मिक्स करना है। इसको मैंने डाल दिया, मेरा बर्नर फुल कर दिया, इसको 1 मिनट के लिए बंद कर दिया। 1 मिनट हो चुके हैं, अभी इसको मैं निकाल दिया। इसको ढक्कन को मैंने निकाल दिया। अभी देखिए ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी। अभी जो मैं बॉल बना के रखा था वो तो बॉल को मैंने इधर अभी डाल दिया। बॉल को इधर डाल दिया, इसके साथ थोड़ा धीमी आंच में इसको मिक्स कर दिया। उसके साथ मिक्स कर दिया। फिर धीमी आंच में इसको मैं 2 मिनट के लिए छोड़ दिया। अभी 2 मिनट बाद इसको मैं ढक्कन निकाल लिया। अभी देखिए ग्रेवी कोफ्ता जो है बिल्कुल तैयार। मैं गैस को बंद कर दिया। अभी इसको धीरे धीरे उतार लेना है। अभी जो गए रोहू माछ का जो कोफ्ता है मैं उधर चका, रेडी हो चुका है ये ऑलमोस्ट रेडी। ग्रेवी भी थोड़ा उतना लिक्विड नहीं है, आराम से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो भात के साथ, फ्राइड राइस के साथ। और एक कुकिंग और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।